अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल खापा। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ चिकन चर्सी कढ़ाई, जो बहुत यम बनती है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं उसके। घर में जितनी चीजें अवेलेबल होती हैं उसी में बन जाती है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए होती है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, तो चिकन चर्सी कढ़ाई के लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिया है हाफ केजी, तकरीबन ये हाफ चिकन है और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है। इसके अलावा इसमें जाएगा ऑयल, 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और उन्हें मैंने सिर्फ 2 टुकड़ों में काटा है क्योंकि मुझे इसकी स्किन निकालनी है। हरी मिर्चें हैं यहाँ पे कुछ 10-12 हरी मिर्चें होंगी। मसालों में हमें जिन चीजों की जरूरत होगी उसमें है कुटा हुआ सफेद जीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, जूलियन अदरक ऊपर से जाएगी है, नमक और काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक वॉक के अंदर ऑयल डालूंगी। ऑयल मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा। उसको थोड़ा सा गर्म करने का वेट करेंगे और चिकन को मैंने देखे छन्नी में डाल के रखा है ताकि इसका जितना भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए। हमें काफी ड्राई सी चिकन चाहिए ताकि वो जल्दी ऑयल में फ्राई हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं चिकन। साथ ही मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून भर के डाला है मैंने इसमें, और इसकी करेंगे अब हम भुनाई। अच्छा जी, ये आप देखिए चिकन पे बहुत अच्छा सा गोल्डन गोल्डन कलर आना शुरू हो रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें नमक और आधी हरी मिर्ची शामिल करूंगी और फिर भूनूंगी। अब देखिए हरी मिर्चें भी अच्छी सी तली जा रही हैं इसके साथ साथ। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी और टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसे ढकूंगी थोड़ी सी देर के लिए ताकि टमाटरों का जो छिलका है ना वो निकल जाए, वो मुझे निकालना है। अच्छा जी, चलें अब देखते हैं, 4-5 मिनट हो गए इसे। हाँ देखें, ये इसके जो छिलके देखें किस तरह से ऊपर खुद ब खुद जो है ना, कुछ मेहनत नहीं करने पड़ी और छिलके निकल गए। बस इसको निकाल निकाल के हमने साइड में कर लेना है। अब देखें ये जो इतना ज्यादा पानी पानी सा हो रहा है ना, ये सिर्फ टमाटरों का पानी है, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करा है। और अब मैं इसमें काली मिर्च और जीरा शामिल कर रही हूँ और बस अब हमें इसकी करनी है अच्छी सी भुनाई कि ऑयल सेपरेट हो जाए, ठीक है। और साथ साथ हम ना इस तरह से चमचा मार मार के टमाटरों को बिल्कुल इसके साथ ही भून देंगे। तकरीबन 10 मिनट्स मैंने इसको भूना है तो अब जाके इसका पानी ऐसा देखें ड्राई ड्राई होना शुरू हो गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। डिपेंड करता है अब आपको, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा ड्राई कर लीजिए। मैं थोड़ा सा ग्रेवी छोड़ूंगी इसके अंदर। देखिए सारे टमाटर बिल्कुल मुशी हो गए हैं, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें अपनी जूलियन कटी हुई अदरक थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ आखिर के लिए, और खुशबू के लिए 2-3 हरी मिर्चें वो हमने बिल्कुल इसको डालना है। और बस ढक के इसको 4-5 मिनट का बस दम देना है हमने बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि अदरक का जो खुशबू है ना वो चिकन में और कढ़ाई में बड़े अच्छे से रच जाए। तो देखें आप कितनी जल्दी फटाफट ये 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। अब मैं इसको दम पे रखती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। 10 मिनट हो गए हैं, वाओ सारा ऑयल ऊपर अच्छे से सेपरेट होके आ गया है। अब ये बाकी की हरी मिर्चें और जो बचा हुआ अदरक था इस पे डाल के आप इसको एज इस कढ़ाई को अपने टेबल पे या अपने दस्तरखान पे सर्व कर सकते हैं। और इसके ऊपर लेमन जरूर स्क्वीज कीजिएगा, फ्रेश लेमन के साथ इसको खाइएगा। तो ये थी आज की चर्सी कढ़ाई की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और आप अपने फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।